नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड कर्नाटका सियासत डॉट कॉम। यदि आपने इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद और कर्नाटका सियासत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। कर्नाटका की सियासत में एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आया है। अभी तक जेडीएस जो माइनॉरिटी के ओर पे जो आइडियोलॉजी को लेके चल रही है और माइनॉरिटीज के जो वोट बैंक को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही है, उस दौरान में एक बहुत बड़ा जो है भूकंप आया है। वो भूकंप कुछ और नहीं, हाल ही में जो 93 MLA सीट्स उम्मीदवारों की जो लिस्ट निकली थी उसमें चामराजपेट हलके के एक सियासत लीडर जो जेडीएस में डे वन से मौजूद है, जिसको कहा जाता है जेडीएस फैक्ट्री से तैयार हुए हैं, जेडीएस में ही पले बड़े हैं, सियासत के लीडर बने हैं, एक्स कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और इनका चमराजपेट हलके में बहुत बड़ा नाम भी है, इनका नाम जो है लिस्ट में नहीं आया है। और नया उभरता हुआ चेहरा सीएम फैज का जो है एमएलए कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो बीदर हमनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है। अब इस बात को लेकर के कर्नाटका में मुस्लिम्स यूथ जो है वो थोड़ा सा नाराजगी जता रहे हैं। कुछ गलत फहमियां भी हो सकती है क्योंकि इत्तेफाक से सीएम फैज साहब जो हैं ये सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद हैं और ये जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं सीएम इब्राहिम साहब। सीएम इब्राहिम साहब और सीएम फैज साहब हाल ही में जेडीएस में दोबारा कदम रखे हैं और जेडीएस में इमरान पाशा जो है जब से ये सियासत में आए हैं तब से हैं और आज भी सियासत में हैं। और जहां तक जेडीएस के जो फॉलोअर्स है, जो कार्यकर्ता है, उनका कहना यह है कि इमरान पाशा कभी जेडीएस को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे उनको एमएलए की सीट मिले या ना मिले, एमपी की सीट मिले या ना मिले, उनको औधा मिले या ना मिले। बात दरअसल ये है कि वो जेडीएस का अपने आप को एक हिस्सा मानते हैं, वो जेडीएस को अपनी फैमिली मानते हैं। यही वजह है कि आज जो है जेडीएस के माइनॉरिटीज यूथ जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं। अब मुझे जो लगता है, जिस तरीके से मैं कर्नाटका की सियासत को एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान पाशा जी को एमएलए की टिकट तो मिलेगी चामराजपेट हलके से, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बीजेड जमीर अहमद खान साहब की मंजूरी का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेड जमीर अहमद खान साहब जो है चामराजपेट हलके में बहुत ही स्ट्रांग है, उनको हिलाने वाला अपोजिट में कोई है नहीं है। अगर कोई है तो टक्कर दे सकता है तो वह है जेडीएस का कैंडिडेट इमरान पाशा। अगर हार भी गए तो भी बराबर की टक्कर उनको दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेड जमीर अहमद खान साहब जो है एमपी के सीट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेड जमीर अहमद खान साहब भी जो है इमरान पाशा का हाथ पकड़े, क्योंकि इन्होंने 2018 में जो है इमरान पाशा जी को ऐसा कुछ वादा किया बोल के मैंने इन्हीं की जबानी, इमरान पाशा जी की जबानी में एक न्यूज़ चैनल में सुना था। तो शायद यही वजह हो सकती है कि इमरान पाशा जी को अभी तक जो है सीट अलॉकेट नहीं किया गया है। अब माइनॉरिटीज जो जेडीएस के माइनॉरिटी कार्यकर्ता हैं जो नाराजगी जता रहे हैं,
मुझे नहीं लगता है कि उनको नाराजगी जतानी चाहिए, क्योंकि अभी इमरान पाशा का नाम हो या ना हो, चामराजपेट क्षेत्र की असेंबली सीट की अभी तक सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, अलोकेट नहीं हुई है, मतलब उस पर्टिकुलर हलके को उसको सेपरेट अभी फिलहाल जो है रखा गया है, अभी उसको आउट नहीं किया, वो लिस्ट आउट नहीं है, किसी को भी घोषित नहीं किया है। अब वहां पे इमरान पाशा भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि बीजेड जमीर अहमद खान ही चामराजपेट हलके से जो है जेडीएस की टिकट लेकर आए, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सियासत है, कर्नाटका की सियासत में कुछ भी बदलाव आ सकता है, अब वो आने वाला कल ही बता सकता है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए ज्यादा हम लोगों को जो है इस पर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी चामराजपेट हलके की सीट जो है डिक्लेयर नहीं हुई है, कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर है, बहुत ही सोच समझ के लिस्ट निकाली गई है, जितने भी 93 MLA सीट्स की कैंडिडेट्स की जो सीट्स की घोषणा की गई है जेडीएस की तरफ से, सीएम इब्राहिम साहब ने जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल्स यूज किया है उसमें, जस्ट बिकॉज कि उनके फर्जंद सीएम फैज हैं उसके लिए नाराजगी जताना तो ठीक नहीं है, लेकिन इसको अगर ठीक से अगर एनालाइज किया जाए तो 93 क्षेत्र की जो लिस्ट आउट हुई है वो कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट नहीं है, जहां पे कोई तगड़ा सा कॉम्पिटिशन हो, एक दूसरे की टांग खींचने वाली बातें हो, ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब टोटल सेफ जो फैक्ट्री से जो तैयार हुए हैं एमएलए कैंडिडेट्स उन्हीं को चूज करके बहुत ही सेफ लिस्ट जो है बाहर निकाली गई है। और दूसरा जो है इंटेलेक्चुअली जेडीएस ने इस बार बहुत अच्छा जो है फैसला लिया है, कि मुझे ऐसा लग रहा है एज ए जर्नलिस्ट कि कर्नाटका की सियासत में थोड़ा सा जो है ये भी देखा जा रहा है, खासकर सीएम इब्राहिम साहब जो अपनी इंटेलेक्चुअल यूज कर रहे हैं, कि हमारे मुसलमान जो करंट सिटिंग एमएलएस हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी से हो, इनके असेंबली क्षेत्र में जेडीएस जो है कॉम्पिटेटिव ना रहे, कॉम्पिट ना करे, वहां पे टिकेट्स की जो है डिवाइड करने की कोशिश ना किया जाए, तो ये कुछ इनकी सोची समझी जो है लिस्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे शांति नगर में जेडीएस का कोई कैंडिडेट अभी तक जो है नहीं रिलीज किया गया है, शिवाजी नगर से कोई लिस्ट नहीं निकाली गई है, चामराजपेट से भी नहीं निकाली गई है, इत्तेफाक से यहाँ पे देना इमरान पाशा को जो कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है। फिर आप देखेंगे आई थिंक एनआर मोहल्ले की जो टिकट है तनवीर सेठ, उनके अपोजिट भी किसी को टिकट जो है अभी तक जेडीएस की तरफ से घोषणा नहीं की गई है, और एमएलए कनीस फातिमा उनके क्षेत्र में भी शायद नहीं दी गई है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक जो है बहुत ही सोच समझ के निकाली गई लिस्ट है। तो जो जेडीएस के जो माइनॉरिटी कार्यकर्ता है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। हाँ, बात आपकी नाराजगी तब जायज होती अगर चामराजपेट हलके की टिकट डिक्लेयर हो गई होती, यहाँ पे टिकट अभी निकाली नहीं गई है, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी को जो है अप्लाई किया गया है, देखना चाहते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी होगी, क्या इश्यूज होंगे, और ज्यादातर जो है जरूरत वो 93 MLA क्षेत्र के लिस्ट को निकालना जरूरी था, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वर्क करना जरूरी है, वहां पे अगर किसी को कैंडिडेट बना दिया जाए और डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये फलाना फलाना जेडीएस से एमएलए की टिकट जो है इसको मिलेगी, इसको जिताना है, तो वो वहां का जो कैंडिडेट है वो सब लोगों को इकट्ठा करने में उसको 3-4 महीने का जो मोहलत मिलेगा उससे आसानी होगी। और रही बात इमरान पाशा की, चामराजपेट हलके में उनको इतना ग्राउंड वर्क करने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि चामराजपेट का बच्चा बच्चा भी इमरान पाशा को जानता ही है, बस टिकट घोषणा करने के बाद उनको काम करना ऐसा ही कुछ है नहीं है, उनका तो नोन ट्रूथ है कि उन्हीं को टिकट जो है मिलने ही वाली है। तो ये जो चीजें हैं इसको गौर करना बहुत जरूरी है। अब हासन की बात आती है, वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हासन के जो है कुछ असेंबली क्षेत्र के एमएलए कैंडिडेट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया, यहाँ तक कि भवानी रेवंडा का जो नाम आना था वो भी नहीं आया है, फिर कौन है क्या नाम है उनका,
रेवन्ना जी जो है होड़े नसीपुर के प्रेजेंट सिटिंग एमएलए, उनका नाम भी घोषित नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा जो है समझ में नहीं आया, ये क्या सियासत चल रही है कर्नाटका में करके, वो भी न्यूज़ हम आप लोगों को बहुत जल्द देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सीधी सीधी बात यह है कि इमरान पाशा को टिकट ना दिया, इसके लिए जो नाराजगी जताई जा रही है वो बेबुनियाद है। बहुत जल्द ये भी खुशखबरी आप लोगों के सामने आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, लाइक तो बनता है, और शेयर करना मत भूलेगा। और इस चैनल कर्नाटका सियासत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ डिजिटल फरहान रशीद का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आपका फरहान रशीद, कर्नाटका सियासत.com।